बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डू कॉम्प्रिहेंशन दैट इज़ अबाउट फॉरेस्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। फॉरेस्ट्स आर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज। ठीक है, अब हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, सो वी हैव टू लुक आफ्टर एवरी डिटेल। ठीक है, अब आपने देखें इसमें सबसे फर्स्ट लाइन में आपको बताया गया है कि फॉरेस्ट होता क्या है। सो फॉरेस्ट जो है, दे आर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज, वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे दरख्त होते हैं। सम फॉरेस्ट आर स्मॉलर देन अदर्स बट अ पॉपुलर करेक्टरिस्टिक of all forest is to have lots of trees and vegetation or plant life। ठीक है, कुछ फॉरेस्ट छोटे भी होते हैं लेकिन मेन जो उनकी करेक्टरिस्टिक है, पॉपुलर करेक्टरिस्टिक यानी कि मेन जो उनकी उनकी एक एडजेक्टिव आप कह लें हैं, मेन जो बात है उनकी वो क्या है कि इनके अंदर दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज़ एंड वेजिटेशन, जो वहाँ पे बहुत सारी दरख्त सब्जियाँ या फिर प्लांट लाइफ यानी कि पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, डिफरेंट ट्रीज प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रेंज फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट। अब एनिमल्स कौन कौन से होते हैं इनके अंदर, मैमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं और इंसेक्ट्स भी होते हैं। One of the most popular type of forest are rain forests. सबसे popular type जो है more popular types में से जो सबसे ज़्यादा popular type है वो क्या है, rain forest. Other types of forest are, बाकी types क्या हैं, deciduous forest और या फिर टैलगा फॉरेस्ट या फिर coniferous forest. तो ये आपके पास सारे different types of forest हैं। ठीक है, so the question number one is what does vegetation mean, vegetation का क्या मतलब होता है। so vegetation मतलब कि there are, अब आपने vegetation से पढ़ा ना, मैंने आपको यहाँ पर इसमें से बताया कि vegetation का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के, इस तरह वेजिटेशन का मतलब है फल सब्जियाँ, ठीक है, हर तरह का, इस तरह से डिफरेंट हर्ब्स भी हो गई, इसमें शर्ब्स भी आ गई। ठीक है, What kind of animals are in forest? Forest में किस किस तरह के animals होते हैं, Name two types of forest। हमने इतने सारे forest पढ़े, rain forest है, deciduous forest है, forest है, coniferous forest है, तो इनमें से किसी दो के आप नाम लिखेंगे। What is the popular characteristic of all forest? और सबसे ज़्यादा popular characteristic क्या है forest की। So you have to do this comprehension on your English grammar copy. ठीक है, I will also be sending you the picture. You have to do this comprehension on your English grammar copy.